ପଢ଼ଉଛି ମୁଁ ହେଲେ Hello students, and today we are going to discuss a new topic which is regularly coming under our mains examination on the part of reasoning, that is our data flow diagram, जिसको कि हम बोलते हैं DFD. तो आप बोलोगे data flow diagram कौन से chapter के अंदर में आता है? तो ये हमारे आता है किसके अंदर? Decision making and admission test, जिसको हम DMAT बोलते हैं. ठीक है, तो वक्त जाया ना करते हुए हम डायरेक्ट चलते हैं कि क्वेश्चन को कैसे करना है, डाटा फ्लो डायग्राम क्या होता है और उसको आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. तो पहला हमारा क्या है वो चीज, डाटा फ्लो डायग्राम जिसको कि हम DFD बोलते हैं. तो पहले हमें यह समझना चाहिए कि व्हाट इज डाटा फ्लो डायग्राम, उसके बाद व्हेयर टू स्टार्ट एंड व्हेयर टू एंड, यहां की शुरू कहां से करना है और खत्म कहां पर. उसके बाद इज ऑल द कंक्लूजन आर डेफिनेट और अनडिफाइंड, सारे के सारे जो कंक्लूजन हमें पूछा जाएगा उन सब का आंसर होगा या फिर कुछ कुछ का आंसर होगा या फिर कुछ कुछ का आंसर नहीं होगा. पहले हम एक चीज को समझ लेते हैं, पहले व्हाट इज डाटा फ्लो डायग्राम. अब समझिए, डाटा फ्लो डायग्राम इज नथिंग बट ए सिक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लो मेट्रिक डायग्राम. तो यह क्या बोला गया कि यहां पर कुछ एक फ्लो मेट्रिक डायग्राम होगा. क्या होगा? फ्लो मेट्रिक डायग्राम. जिसके तहत हमें क्या प्रोवाइड की जाएगी, व्हिच क्वालिफाइज द डाटा एज इन ए सिक्वेंशियल मैनर, यानी कि हमें जो भी डाटा दिए गए होंगे उन सबको एक सिक्वेंशियल मैनर फॉलो करना है. लेकिन वो डाटा किस तरह से हमें प्रोवाइड होगा? एक फ्लो मेट्रिक डायग्राम के थ्रू. तब आप बोलोगे सर फ्लो मेट्रिक डायग्राम क्या होता है? बता देंगे, एक क्वेश्चन करके हम आपको जरूर बताएंगे कि फ्लो मेट्रिक डायग्राम कैसा होता है और वहां पर डाटा कैसे दी जाती है और हमें किस तरह से मूव करना है. क्लियर? तो यह बना हमारा क्या, DFD. अब चलिए देखते हैं व्हेयर टू स्टार्ट एंड व्हेयर टू एंड. अभी कुछ आपको जस्ट कुछ बता देता हूं कि ये जो फ्लो मेट्रिक डायग्राम होता है वहां पर कुछ एरोज होते हैं, जिस तरह की इस तरह एरो दिया गया है. अब लिख लीजिए मन, अगर ए मेरा ए है और ये वाला मेरा बी है. अब ए से एरो बी तक जाता है, यानी कि ए मेरा इनपुट है और बी मेरा आउटपुट है. समझ गए? यानी कि आरओ जिसको पॉइंट कर रहा होगा वो बनेगा मेरा आउटपुट, आरओ जिससे शुरू होगा वो बनेगा मेरा इनपुट. तो यहां पर क्या हुआ है, वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड. सो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम इनपुट एंड ऑलवेज एंड एट आउटपुट. ओके, समझ गए? यानी कि मुझे इनपुट से शुरू करना है, खत्म कहां पर करना है? आउटपुट पे खत्म करना है. अच्छा, इनपुट को हम पहचाने कैसे? हमेशा याद रखना, जहां से आरओ शुरू होगा वो होगा मेरा इनपुट, जहां पर आरओ खत्म होगा वो होगा मेरा आउटपुट. ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट चलते. इज ऑल कंक्लूजन डेफिनाइट और अनडिफाइंड. अब ये बोलते हैं कि ये डेफिनाइट है या फिर अनडिफाइंड है. अब सुनिए, कंक्लूजन डेफिनाइट तब बनेगा इफ आई हैव ऑल द, इफ आई हैव ऑल असेसेबल डाटाज. अगर मेरे पास सारे के सारे असेसेबल डाटा होंगे तो मेरा वो जो कंक्लूजन आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा डेफिनेट. अगर वो सारे के सारे डाटा असेसेबल नहीं बनेंगे तो वो क्या बनेगा मेरा? अनडिफाइंड. समझ गए? यानी कि मुझे डाटा फ्लो डायग्राम करने के लिए कौन सी चीजों की जरूरत है? पहला एक फ्लो मेट्रिक डायग्राम का, दूसरा शुरू कहां से हो रहा है और एंड कहां पर होगा, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट. फाइनली इज ऑल द कंक्लूजन्स आर डेफिनेट, ये मुझे कैसे पता चलेगा? अगर सारे के सारे इंफॉर्मेशन मुझे डाटा फ्लो डायग्राम में गिवन है तो वो बनेगा मेरा क्या? डेफिनेट. अगर वो इंफॉर्मेशन मिसिंग है उसको मुझे क्या कंसिडर करना है? उसको कंसिडर करना है अनडिफाइंड, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड. क्लियर? अभी चलते हैं क्वेश्चन में देखते हैं. तो इसमें आपको 10-15% समझ आया होगा, मुझे पता है. क्वेश्चन एक हम ऐसे कर लेंगे कि आपको पूरे के पूरे 100% समझ आएगा. ठीक है, चलिए देखते हैं. तो ए लीजिए, ये आपका आ गया क्या,
डाटा फ्लो डायग्राम, इस तरह से होता है डाटा फ्लो डायग्राम। अब क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, ये स्टूडेंट वांट वन पर्टिकुलर बुक फ्रॉम हिज कॉलेज लाइब्रेरी, डाटा फ्लो डायग्राम एज फॉलोज। यानी कि कोई एक स्टूडेंट है, जैसे कि आप समझ लीजिए आप खुद एक लाइब्रेरी गए हो, क्यों, एक बुक चाहिए आपको, आप एक बुक लेंड करने के लिए लाइब्रेरी गए हो, तो कैसे काम करोगे आप वहां पर जाके। पहले स्टूडेंट गोज टू लाइब्रेरी, तो ये बना मेरा क्या इनपुट, क्यों, क्योंकि मैं ये बोला था कि जहां से वो आरो शुरू होगा वो बनेगा आपका इनपुट, और जहां जाके खत्म होगा वो बनेगा आउटपुट। तो आप क्या बोलोगे, सर ये वाला भी आउटपुट है, ये भी आउटपुट है, यहां पर आरो खत्म हो रहा है, यहां पर भी आरो खत्म हो रहा है, नहीं, एक डाटा फ्लो डायग्राम में जितने जगह पर आरो आखिर में जाके खत्म होगा वो बनेगा आपका आउटपुट। ये नहीं बोलोगे सर ये भी आउटपुट है, ये भी आउटपुट है, आप सही हो, ये आउटपुट है, लेकिन ये पूरा डाटा फ्लो डायग्राम का आउटपुट नहीं है, वो कुछ हिस्सों का बस आउटपुट है। जैसे कि मैं ये सारे चीजों को यहां पर देखूं, ये स्नो कुछ कुछ लिखा गया है, अब मुझे बोलिए यहां जो बुक कैन नॉट बी इशूड, सारे के सारे एरो आके यहां पर रुक गए हैं या फिर नहीं, यानी कि ये जो बुक कैन नॉट बी इशूड यहां पर लिखा गया है, सारे के सारे आरो यहां पर एंड हो रहे हैं ना, तो ये बना मेरा आउटपुट, क्या बना मेरा ये आउटपुट, समझ गए। तो आप बोलोगे सर हमेशा क्या एक ही डाटा फ्लो डायग्राम में एक इनपुट और एक ही आउटपुट होगा, वैसा कोई भी मैंडेटरी केस नहीं है, एक से ज्यादा इनपुट भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा आउटपुट भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपका फ्लो डायग्राम मूवमेंट कैसे कर रहा है, ठीक है। तो ए वाला देखो यहां पर एक आउटपुट है, अगर यहां पर भी देखो जो बुक इशूड टू द स्टूडेंट लिखा गया है, यहां पर भी एक एरो मार्क है या नहीं, फिर नहीं, तो अगर यहां पर भी एरो मार्क है और इससे अगर कोई अदर ब्लॉक्स को ज्वाइनिंग नहीं है, ज्वाइनिंग का मतलब यहां से कोई एरो शुरू नहीं हो रहा, बस जो भी एरो कंटिन्यू कर रहा था वो यहां तक आके खत्म हो गया, तो ये वाला भी मेरा बनता है और एक आउटपुट। तो आप अगर चाहो तो इसको आउटपुट टू और इसको आउटपुट वन भी लिख सकते हो, कोई गल नहीं, ठीक है, क्लियर। अभी चलते हैं, देखते हैं सीक्वेंस कैसे मूव कर रहा है, डाटा फ्लो डायग्राम हमारा मूव कैसे करता है। तो चलिए पहले लिखा गया स्टूडेंट गोज टू लाइब्रेरी, तो वो जो स्टूडेंट था वो लाइब्रेरी के लिए गए। उसके बाद व्हेदर ही कीप्स द टिकट नंबर व्हिच इज रेज्ड बाय हिम ऑनलाइन, क्या उसके पास वो टिकट है जो वो ऑनलाइन से लिया था। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि क्या आपके पास वो चीज है, तो दो तरह के आंसर आते हैं, एक आता है या मेरे पास है, दूसरा आता है नहीं मेरे पास नहीं है। तो पहला यहां पर एक एस का कॉलम है और एक नो का कॉलम है, यस का कॉलम क्या सीक्वेंसाइज करता है, ही हैज टू शो द टिकट नंबर टू द लाइब्रेरियन। अगर आपके पास वो टिकट है तो वो जो नंबर आपके पास टिकट में दी गई है वो आप लाइब्रेरियन को दिखा दो, अगर नहीं है नो ही हैज टू रिक्वेस्ट पर्सनली टू लाइब्रेरियन फॉर इशूइंग ए टिकट, उसको पर्सनली लाइब्रेरियन को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि सर मुझे एक टिकट दे दीजिए जिसके नंबर के तहत मैं कोई बुक इशू कर लूं, ठीक है। अगर आप अभी सुनिए, आपके पास चीज है तो सबके सब पॉजिटिव फॉलो होगा, अगर आपके पास कोई चीज नहीं है आप जाके किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को मदद मांग रहे हो, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ना, वो आपका मदद करना चाहता है या नहीं, आपकी रिक्वेस्ट ग्रांट होती है या फिर नहीं। तो यहां पर जब आता है तो यहां पर भी दो सीक्वेंस क्रिएट हो जाता है, एक होता है यस का और दूसरा होता है नो का। तो क्या होता है, आप जाके अगर लाइब्रेरियन को पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहे हो कि सर मुझे एक टिकट इशू करवा दीजिए, तो उसके बाद क्या होता है, व्हेदर द टिकट इज इशूड बाय लाइब्रेरियन, ये तो पूरे के पूरे लाइब्रेरियन के ऊपर है कि वो आपको चाहे इशू करवा सकता है या फिर नहीं, क्योंकि आपके पास ऑनलाइन वाला टिकट है ही नहीं। अगर वो इशू करवा देता है तो बोलता है क्या यस, यहां से यस होता है तो इसके बाद का कॉम्बिनेशन भी यहां पर आता है, तो ये वाला कौन सा था, पॉजिटिव वाला था, दे ही हैज टू शो द टिकट टू द लाइब्रेरियन, और यहां पर क्या हुआ, उनके पास टिकट था ही नहीं, यहां पर लाइब्रेरियन ने उनको एक टिकट नया लाके दिया, तो यहां पर क्या होगा, नाउ लाइब्रेरियन विल चेक ई पर्टिकुलर बुक इज अवेलेबल इन लाइब्रेरी। यानी कि अगर आपके पास टिकट है और आपके पास नहीं था, आज पर रिक्वेस्ट यू गॉट अ टिकट फ्रॉम द लाइब्रेरियन, देन उसके बाद लाइब्रेरियन का काम क्या है, वो जाके ये सर्च करेगा कि जो बुक आप मांग रहे हो वो बुक लाइब्रेरी में प्रेजेंट है या फिर नहीं। अगर वो बुक प्रेजेंट नहीं है तो आंसर क्या आता है, बुक कैन नॉट बी इशूड, अगर लाइब्रेरी में वो बुक है ही नहीं तो आपको कैसे बुक दी जा सकती है, क्या नहीं ना, इसीलिए क्या होगा, बुक कैन नॉट बी इशूड। और अगर यहां पर टिकट आप जो लाइब्रेरियन को बोले, जो रिक्वेस्ट किए कि सर जी मुझे एक टिकट दे दीजिए, मैंने मेरे वो जो ऑनलाइन वाला टिकट था मेरे पास है ही नहीं, तो लाइब्रेरियन अगर आपको इनकार कर दे कि नहीं आपको वही टिकट लाना होगा, मैं आपकी रिक्वेस्ट पे आपको कोई दूसरा टिकट नहीं देने वाला हूं, तो यहां पर अगर वो इनकार कर दे तब भी बुक कैन नॉट बी इशूड,
क्योंकि अब तो आप वही बुक ले ही नहीं सकते, ठीक है ना, अभी आप बुक ले ही नहीं सकते। इसके बाद अगर नाउ लाइब्रेरियन विल चेक इफ पर्टिकुलर बुक इज अवेलेबल इन लाइब्रेरी, अगर वो बुक अवेलेबल है, यानी कि यस बुक अवेलेबल है, तो उसके बाद क्या होता है, नाउ लाइब्रेरियन विल चेक इफ एनी बुक व्हिच इज इशूड इन अर्लियर इज सबमिटेड बाय स्टूडेंट। तो लाइब्रेरियन अब क्या चेक करेगा कि आप कोई बुक पहले लिए हो क्या, अगर लिए हो उसको लाके सबमिट कर चुके हो या फिर नहीं, ये तो देखना चाहिए ना। जब भी आप लाइब्रेरी जाते हो कोई एक बुक लाने के लिए, उसके बाद अगर दूसरा बुक लेने जाते हो, कहीं कहीं रूल होता है कि आप अपने साथ चार बुक ले सकते हो, कहीं पर होता है दो बुक ले सकते हो, कहीं पर होता है नहीं आप एक ही ले सकते हो, अगर एक लिए हो उसको पहले लौटाओ दूसरा लेके जाओ। यहां पर बस वही चीज है, अब लाइब्रेरियन जाके चेक कर रहा है कि आप पहले कोई बुक लिए थे क्या, अगर लिए थे अब तक लौटाए या फिर नहीं लौटाए, अगर आपने नहीं लौटाए नो देन बुक कैन नॉट बी इशूड। अगर आपने वो जो पहला वाला बुक लिए हो अभी तक नहीं लौटाए हो तो आपको बुक नहीं दी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने लौटा दिए यस देन लाइब्रेरियन विल चेक इफ एनी फाइन इज ड्यू ऑन स्टूडेंट। अब लाइब्रेरियन देख लिए कि हाँ आपने जो बुक लिए थे उसको लौटा दिए हो, अब लाइब्रेरियन क्या चेक करेगा कि आपके ऊपर कोई फाइन है क्या, अगर फाइन नहीं है नो, अगर फाइन नहीं है तो टिकट नंबर इज रजिस्टर्ड एंड बुक इज असाइन टू द स्टूडेंट। अगर आपके पास कोई भी फाइन नहीं है देन आपका टिकट नंबर को वो रजिस्टर कर लेते हैं, देन आप वो बुक इशू कर लेते हैं एंड फाइनली बुक इशू टू द स्टूडेंट। वो फाइनली क्या होता है, वो जो बुक है वो स्टूडेंट को इशू हो जाता है, ठीक है। अच्छा अगर आपके ऊपर कोई फाइन है द लाइब्रेरियन विल चेक इफ एन फाइन इज ड्यू ऑन स्टूडेंट, और यहां पर उसे मिलता है कि यस देयर इज सम फाइन ऑन द स्टूडेंट, तभी क्या होगा, स्टूडेंट वांट्स टू सबमिट द फाइन। अब स्टूडेंट को फाइन देना जरूरी है, लेकिन जब तक फाइन नहीं देगा उसको बुक नहीं मिलने वाला, ठीक है, जब तक फाइन नहीं देगा तब तक उसको बुक नहीं मिलने वाला। तो अगर वो स्टूडेंट कंफर्म हो जाता है कि ना मैं अपना फाइन दे दूंगा, यानी कि स्टूडेंट बोलता है यस आई विल सबमिट द फाइन, देन टिकट नंबर इज रजिस्टर्ड एंड बुक इज असाइन टू द स्टूडेंट एंड बुक इज इशूड टू द स्टूडेंट। अगर वहां पर वो स्टूडेंट बोल दे कि नहीं मैं अब फाइन नहीं दूंगा, जो मेरा ऊपर जो फाइन है मैं वो नहीं दूंगा, तो क्या आता है, नो आता है ना। तो अगर नो होता है तो उसका भी आंसर आ जाता है क्या, बुक कैन नॉट बी इशूड। समझ गए, यानी कि ये जो फ्लो का डायग्राम था ये पूरा का पूरा एक सिस्टम था जो कि आप एक स्टोरी बना सकते हो कि कौन सा ना, आप गए हो बुक लाने के लिए, लाइब्रेरियन आपको पूछता है कि टिकट नंबर है या नहीं, अगर है लाइब्रेरियन तब जाके ढूंढता है कि जो बुक आप मांग रहे हो वो अवेलेबल है ना नहीं, अगर वो है तब लाइब्रेरियन दिखता है कि आप पहले अगर कोई बुक लिए हो अब तक लौटाए क्या फिर नहीं, अगर उसको भी लौटा दिए तब जाके लाइब्रेरियन दिखता है कि आपके ऊपर कोई फाइन है क्या, अगर है आप मान जाते हो हाँ मैं फाइन दे दूंगा तब आपको बुक इशू हो जाता है, अगर आपके ऊपर कोई भी फाइन नहीं है तभी भी आपको बुक इशू हो जाता है। लेकिन अगर आप अपना टिकट को गुमा दिए या फिर आपके पास टिकट नंबर है नहीं तो आप क्या करोगे, लाइब्रेरियन से रिक्वेस्ट कर रहे हो। अब सारे चीज लाइब्रेरियन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर लाइब्रेरियन मान जाता है कि हाँ मैं आपको एक नया वाला टिकट दे देता हूं देन आपका प्रोसीजर वही सेम फॉलो करेगा। अगर लाइब्रेरियन वहां पर मना कर दे कि नहीं मैं आपको नहीं देने वाला कोई दूसरा टिकट देन आपको डायरेक्ट क्या हो जाएगा, बुक कैन नॉट बी इशूड। समझ गए, सबको समझ आ गया, ये जो डाटा फ्लो डायग्राम है सबको समझ आ गया, हाँ या ना, ओके। इसके तहत क्वेश्चन कैसे आता है हम अब चले दिखते हैं, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट लगवा सकते हो, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, उसके बाद क्वेश्चन से ये है आपका इंफॉर्मेशन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। तो अब देखिए क्या लिखा गया है, इफ स्टूडेंट वांट सम बुक फ्रॉम द लाइब्रेरियन, इफ स्टूडेंट वांट सम बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी बट इट डिड नॉट रेज टिकट ऑनलाइन देन वेदर द बुक इज इशूड और नॉट। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मुझे लाइब्रेरी से एक बुक चाहिए लेकिन वो अपना जो ऑनलाइन वाला टिकट है उसे रेज नहीं किया, क्या उसे बुक मिल सकता है। हमेशा याद रखना ऑप्शन से ही आंसर को निकालना, खुद से आंसर मत निकालना, ठीक है। ऑप्शन से आंसर निकालना, खुद से मत निकालना, क्योंकि कभी कभी दो दो आंसर भी सही बनते हैं और ऑप्शन के हिसाब से अगर जाओगे तो यहां पर आपको सारे के सारे जितने भी पांच क्वेश्चन आते हैं पांच से पांच बार जरूर आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला लगा येस द बुक विल बी इशूड, लेकिन कैसे, अगर लाइब्रेरियन उसको परमिशन ना दे, यानी कि लाइब्रेरियन उसको अगर दूसरा वाला टिकट इशू ना करे तो क्या उसे बुक मिल सकता है। तो हम कभी भी ये बोल सकते हैं कि येस बुक विल बी इशूड, नो। सेकेंड, नो बुक विल नॉट बी इशूड, ये भी गलत। क्यों गलत,
नहीं, वहां पर एक भी पॉसिबिलिटी है उनको बुक मिलने का। कैसे? अगर लाइब्रेरियन उनको एक टिकट नंबर दे दे और उस हिसाब से उसके बाद से सारे के सारे अगर जो ऑपरेशन है, जो भी एक्शन है, सबके सब पॉजिटिव बन जाए तो बुक मिल सकता है। तो मैं डेफिनेटली नहीं बोल सकता कि नहीं, हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। अब तीसरा वाला ऑप्शन देखिए, इट डिपेंड्स ऑन द लाइब्रेरियन एंड इफ द लाइब्रेरियन विल इशू द टिकट देन इट मे बी पॉसिबल। ये वाला सही है, ये वाला सही है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा लाइब्रेरियन के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आपके पास ऑनलाइन वाला टिकट आपने उसको रेज नहीं कर पाया, तो आप क्या करते हो, लाइब्रेरियन से रिक्वेस्ट करते हो कि सर मुझे अगर एक आप और एक टिकट दे दीजिए तो मैं बुक ले सकता हूं। अभी पूरा का पूरा सीनरियो लाइब्रेरियन के ऊपर है या नहीं, क्यों, कैसे? देखिए प्रीवियस वाला स्लाइड से मैं आपको दिखा देता हूं, हमारा जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस कहां पर फॉलो कर रहा था, ये था चीज। यहां क्या लिखा हुआ है, ही हैज रिक्वेस्टेड पर्सनली लाइब्रेरियन फॉर इशूइंग ए टिकट। अगर हां है तो ये वाला फॉलो आपको करके यहां पर बुक इशूड बनाएगा, लेकिन अगर ना है तो आपको कैन नॉट बी इशू होगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरा ये हुआ कि ये सारे के सारे चीज किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन द लाइब्रेरियन, एंड इफ लाइब्रेरियन इशू द टिकट देन इट मे बी पॉसिबल। क्योंकि लाइब्रेरियन अगर टिकट भी इशू कर दे, यहां से भी आप नहीं निकाल सकते कि हाँ जरूर मुझे बुक मिल जाएगा, नहीं, उसके बाद और भी प्रोसीजर है, अवेलेबिलिटी ऑफ बुक, उसके बाद आप अगर कोई बुक लिए हो लौटाए या फिर नहीं, उसके बाद इज देयर एनी ड्यू और एनी फाइन ऑन यू, समझ गए? इसीलिए ये लिखा गया है इट मे बी पॉसिबल। समझ आएगा सबको, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, इफ देयर इज फाइन व्हिच इज ड्यू ऑन स्टूडेंट देन बुक इज इशूड टू द स्टूडेंट और नॉट। क्या लिखा गया है, अगर कोई स्टूडेंट के ऊपर कोई फाइन है तो क्या वो स्टूडेंट को बुक मिल सकता है? चलिए देखिए, वही ऑप्शन से करवाना, नो बुक विल नॉट बी इशूड, ये भी गलत, क्योंकि स्टूडेंट के ऊपर फाइन है वो मेरा पॉइंट नहीं है। अगर वो स्टूडेंट फाइन को सबमिट कर दे तो बुक तो मिल जाएगा ना, तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि हाँ फाइन है तो बुक नहीं मिलेगा, तो गलत। सेकंड, बुक विल बी इशूड एंड द स्टूडेंट कैन सबमिट फाइन इन फ्यूचर, ऐसा कुछ लिखा गया था क्या वहां पर कि हाँ बुक ले लो, बाद में आके जो भी फाइन है उसको पे कर देना, लिखा गया था क्या? कहीं पर भी नहीं लिखा गया था, तो गलत। बुक विल बी इशूड आफ्टर द स्टूडेंट सबमिट द फाइन, हाँ ये वाला सही है, क्योंकि वहां पर लिखा गया था स्टूडेंट वांट टू सबमिट द फाइन। देख लीजिए मैं आपको दिखा देता हूं वो वाला, ये क्या लिखा है, स्टूडेंट वांट टू सबमिट द फाइन, ये भी यस। अगर वो बंदा बोलता है कि हाँ मैं अभी चाहता हूं फाइन देने के लिए, तब जाके उसको बुक मिलेगा। यानी कि यहां पर जो चीज, यहां पर जो लिखा गया है, बुक विल बी इशूड आफ्टर द स्टूडेंट सबमिट्स द फाइन, ये वाला सही है या फिर गलत? ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, हमेशा आंसर ऑप्शन से जाना, कभी भी अपने आप से कोई भी आंसर मत लगवाना। ठीक है, क्लियर, गुड, समझ आ गया दो क्वेश्चन, उसके बाद भी और क्वेश्चन है, सब करते हैं, तीन चार क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे कि आपका कॉन्फिडेंट आ जाए कि नहीं, ये वाला चीज तो हम अब बना सकते हैं। एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, 100 आप बनाओगे, लेकिन वो एक क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए कि आपका 100 एक से भी बहुत ही इजी लगे, और यही एक आपको लीडिंग और या फिर गाइड करता रहे बाकी के क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन आ रहा है, इफ लाइब्रेरियन डज नॉट इशू ए टिकट देन व्हाट विल बी द स्टेप टेकन बाय द स्टूडेंट टू इशू ए बुक। बोलता है कि अगर लाइब्रेरियन ने कोई टिकट ना दिया, नहीं दिया कोई टिकट, बच्चे ने जाके बोला कि सर मुझे एक इशू करवा दीजिए टिकट, क्योंकि वो जो ऑनलाइन वाला टिकट नंबर मेरे पास है नहीं, और लाइब्रेरी ने उसे कोई भी टिकट नहीं दी, क्या वो बंदा बुक ले सकता है? अब बोलिए, आपके यहां पर जो डायग्राम में दिखाया, यहां पर कहीं पर भी अगर लाइब्रेरियन इनकार कर दे, अगर लाइब्रेरियन इनकार कर दे, कहीं पे आपको बुक मिल सकता है क्या? नहीं ना, तो ये क्या बनेगा कि नहीं ले सकता। तो चलिए आंसर के हिसाब से चलते हैं, स्टूडेंट में हैव टू रिक्वेस्ट टू द प्रिंसिपल, कहीं पे नहीं लिखा गया प्रिंसिपल के बारे में, तो गलत। स्टूडेंट हैज टू राइट एन एप्लीकेशन टू द लाइब्रेरियन, ऐसा भी कुछ भी नहीं लिखा गया। देन स्टूडेंट हैज टू पे ₹100 फाइन एंड टेक बुक शुड बी इशूड, नहीं, ये वाला भी कोई बात नहीं। स्टूडेंट कैन टेक ए बुक विदाउट ए टिकट नंबर, ये भी गलत। तो आंसर क्या है, नॉट मेंशन इन द DFD, यानी कि ये जो डाटा फ्लो डायग्राम में इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया था। ठीक है, क्लियर, नॉट मेंशन इन DFD, लेकिन हमेशा याद रखना ऑप्शन के हिसाब से ही इसको सॉल्यूशन निकालना, अपने खुद के हिसाब से सॉल्यूशन मत निकालना कि ये सोच लेना कि नहीं उसे तो कभी भी बुक नहीं मिलेगा। यहां पे ढूंढता रहूं कहीं कहां पर लिखा हुआ है बुक कैन नॉट बी इशूड,
ओके, हमेशा ऑप्शन से हिसाब से ही आंसर निकालना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पॉसिबल रीजन दैट बुक इज नॉट इशूड बाय द लाइब्रेरियन। बोला जा रहा है कि कौन सा रीजन पॉसिबल हो सकता है जैसे कि लाइब्रेरियन उसे कोई बुक ना दे। पॉसिबल रीजन यहां पर डेफिनेट लिखा गया है, लिखा गया है क्या, पॉसिबल रीजन, ठीक है। चलिए वैसे ही आंसर के तहत चलते हैं। स्टूडेंट मे हैव टू रिफ्यूज द पे फाइन, हाँ ये भी सही हो सकता है। अगर आपके ऊपर कोई फाइन हो और आप इनकार कर दे कि नहीं मैं फाइन नहीं देने वाला, तब क्या आपको बुक मिल सकता है? नहीं ना, क्योंकि आफ्टर यू हैव टू पे द फाइन यू विल रिसीव योर बुक, यस और नॉट। तो यानी कि आपको पहले फाइन भरना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको बुक मिलेगा। अगर आप रिफ्यूज कर लेते हो कि नहीं मैं तो फाइन नहीं देने वाला, तो क्या आपको बुक मिल सकता है? नहीं। क्लियर, गुड। नेक्स्ट, द बुक इज नॉट अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, हाँ ये भी हो सकता है। अगर लाइब्रेरी में बुक ना हो तो क्या आपको मिल सकता है? नहीं ना। टिकट का नंबर हो सकता आपके पास है लेकिन बुक लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है, या फिर आपके पास टिकट का नंबर नहीं था, आपने लाइब्रेरियन को रिक्वेस्ट की कि मुझे एक टिकट का नंबर दे दीजिए, वो आपको एक टिकट का नंबर दे दिए, तब जाके दिखा गया कि आप जो बुक के लिए यहां पर रिक्वेस्ट कर रहे हो वो बुक तो लाइब्रेरी में है ही नहीं, तो क्या आपको बुक इशू हो सकता है? नहीं। उसके बाद इफ लाइब्रेरियन हैज नॉट इशू ए टिकट व्हेन रिक्वेस्टेड मेड बाय द स्टूडेंट, हाँ ये वाला भी सही है। अगर आपके पास टिकट नहीं है और आप जाके क्या करोगे, लाइब्रेरियन से तो पूछोगे ना कि सर मेरा एक रिक्वेस्ट है, मुझे जरा एक टिकट नंबर दे दीजिए या फिर एक नया वाला टिकट दे दीजिए, मुझे बुक चाहिए। अगर लाइब्रेरियन ने आपको कोई भी टिकट ना दी तो क्या आपको बुक मिल सकता है? नहीं ना। क्लियर, यानी कि तीनों के तीनों सही है, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, जो जो चीज यहां पर लिखी गई है सबके सब सही है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। इसीलिए बोला कि जब भी कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो अपने हिसाब से आंसर मत डालना, सारे के सारे ऑप्शन के थ्रू जाना, तब जाके आपका सही आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है या फिर नहीं? तो मुझे लगता है कि ये दोनों के दोनों आप समझ चुके हो, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्या लिखा गया है? पर्टिकुलर बुक इज इशूड टू द स्टूडेंट बट आफ्टर सम डेज द बुक इज लॉस्ट बाय द स्टूडेंट, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग। बोला गया कोई बुक आपको दी गई थी, ये आपसे गुम हो गया, कहीं पे गुम हो गया, आप गुमा दिए या फिर किस तरह से गुम हो गया, व्हाट विल द नेक्स्ट सीन, आपको क्या करना चाहिए? मुझे पहले बताओ, डाटा फ्लो डायग्राम में गुम होने वाले बुक के बारे में कुछ लिखा हुआ था क्या? कुछ भी नहीं लिखा हुआ था ना। आप तो डायरेक्ट मेंशन कर सकते हो नॉट मेंशन इन द डाटा फ्लो डायग्राम और कैन नॉट बी डिटरमाइन, लेकिन हमेशा याद रखना क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन के तहत जाना, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं, स्टूडेंट हैज टू सबमिट ए फुल अमाउंट ऑफ द बुक, ऐसा कहीं पर लिखा गया था क्या? आप बोलोगे नहीं, कहीं पर भी नहीं लिखा गया था, तो कंडीशन हुआ क्या? फॉल्स। स्टूडेंट हैज टू राइट एन एपोलॉजी एप्लीकेशन टू द कॉलेज अथॉरिटी, ये भी मेंशन नहीं था, यानी कि ये भी गलत। द कॉलेज में रिस्ट्रिक्टेड द स्टूडेंट फॉर वन वीक, ये वाला भी लिखा नहीं था, तो ये भी गलत। नॉट मेंशन इन द डीएफडी, यानी कि डाटा फ्लो में इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, समझ गए यार? नहीं, डाटा फ्लो डायग्राम में इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, ये वाला सही है। सो हमेशा याद रखना, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसको कि आप पढ़ के भी बता सकते हो, हाँ ये वाला तो था ही नहीं, लेकिन हमेशा याद रखना ऑप्शन आपको दी गई से चूज करना है, यानी कि आपको ऑप्शन के तहत जाना है, कभी भी अपने हिसाब से कोई आंसर मत लगवा देना, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन को हम बोलते हैं डाटा फ्लो डायग्राम। तो यहां मैं और एक बार आपको जस्ट एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं इसके बारे में कि कैसे करेंगे डाटा फ्लो डायग्राम। हमेशा ये चीज का कोशिश करना कि मुझे जो क्वेश्चन दी गई है वो क्वेश्चन का मोटिव क्या है, शुरू कहां से होता है, खत्म कहां पर, शुरू कितने जगह से हो रहा है, खत्म कितने जगह पर। यहां पर शुरू एक जगह से हो रहा था लेकिन खत्म जो जगह पर, इसलिए मैंने लिखा था क्या, इन आउटपुट वन और आउटपुट टू। बस वो जो फ्लो चार्ट है उसको अच्छे से पढ़ लेना, दिमाग में एक उसका प्रिंट या फिर कोई पिक्चर बनवा लेना कि हाँ वो सिक्वेंस ए वाला था, या फिर एक स्टोरी बनवा देना कि हाँ ये स्टोरी इस तरह से जा रहा है, तब उस स्टोरी के तहत आपको सारे के सारे आंसर अच्छे से आ जाएंगे। और हमेशा याद रखना आंसर को ऑप्शन के थ्रू से ही निकालना, कभी भी अपने आप से आंसर को मत निकालना, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन डाटा फ्लो डायग्राम के ऊपर, यानी कि ये वाला क्वेश्चन हमारे मेंस में आता है। आगे जाके आपको क्लर्क का एग्जाम मिलेगा, क्लर्क का एग्जाम हो या फिर वो पीओ का, मेंस में जब भी कंप्यूटर के सेक्शन में हमारा वो डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चंस आने लगता है, तो वो डाटा फ्लो डायग्राम को आज की डेट से इंप्लीमेंट कर रहा है। तो मुझे यकीन है कि आप लोग इसे अच्छे से कर चुके हो, बहुत से क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेक्शन में दी जाती है, आप उसको प्रैक्टिस करते रहें, आगे बढ़ते रहें,
पढ़ाई करते रहे और एसेस अवर चैनल वाणिक चैनल एंड ऑलवेज स्टे ट्यून टू वाणिक टू इंप्रूवमेंट ऑफ योर स्टडी एंड ब्राइटनिंग ऑफ योर फ्यूचर. थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एनरोलमेंट. थैंक यू.